गेस्ट टीचरों के आएंगे अच्छे दिन, गेस्ट टीचर होंगे पक्के। सरकार निभाएगी अपना वायदा, सभी तैयारियां शुरू। अतिथि अध्यापकों का पूरा होगा बैकलॉग, निदेशालय का पत्र जारी। सरकारी स्कूलों में लगे करीब 14,000 अतिथि अध्यापकों को 58 साल की उम्र तक रोजगार की गारंटी और मानदेय में इजाफे के बाद अब प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अतिथि अध्यापकों का बैकलॉग पूरा किया जाएगा। इसके लिए अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के पद चिन्हित किए जा रहे हैं। इन पदों पर आरक्षित वर्ग के अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। पिछली हुड्डा सरकार में 20 दिसंबर 2005 से 16 दिसंबर 2007 के बीच सरकारी स्कूलों में करीब 22,000 अतिथि अध्यापक लगाए गए थे। स्वीकृत पदों पर हुई भर्ती में तब आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया था। प्रदेश में जातिगत आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है। मौजूदा प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अनुसार भरे जाने वालों पदों के लिए भी आरक्षण का नियम लागू कर चुकी है। ऐसे में हुड्डा सरकार में हुई अतिथि अध्यापकों की भर्ती की विसंगतियां दूर करते हुए बैकलॉग को पूरा किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के प्रधान सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने इस संबंध में 30 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद मौजूदा समय में काम कर रहे अतिथि अध्यापकों के आधार पर आरक्षित पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। C&V भाषा अध्यापक, JBT जूनियर बेसिक ट्रेंड, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कुल पदों के आधार पर बैकलॉग के पद चिन्हित कर इन्हें भरा जाएगा। प्रदेश में इस समय करीब 14,000 अतिथि अध्यापक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। पिछले 14 साल में करीब 8,000 अतिथि अध्यापक या तो दूसरे विभागों में लग गए हैं या फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर अन्य काम धंधे अपना लिए हैं। अतिथि अध्यापकों को 58 साल की उम्र तक नहीं निकालने का विधेयक प्रदेश सरकार पहले ही पास कर चुकी है। ऑनलाइन तबादलों के बीच शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि स्थायी नियुक्तियों के बावजूद अतिथि अध्यापकों को उनकी मर्जी के खिलाफ दूसरे स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा। हुड्डा सरकार में हुई भर्तियों में लागू नहीं किया गया था आरक्षण का नियम। मौजूदा सरकार में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अनुसार भरे जाने वाले पदों के लिए भी आरक्षण की है। बिंदास हरियाणा के लिए नदीम की रिपोर्ट। सुनो सुनो सुनो, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर नारनौंद में यूनिक कोचिंग सेंटर पर कक्षा 11वीं व 12वीं के मेडिकल व नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स व बायोलॉजी के नए बैच शुरू हो गए हैं। अगर आपके बच्चों का भविष्य बनाना है उज्जवल तो हो जाइए निश्चिंत और भेज दीजिए हमारे पास। अनुभवी अध्यापक करवाएंगे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर और बच्चे लाएंगे 100% परिणाम। नोट, यूनिक कोचिंग सेंटर नारनौंद पर कक्षा 3rd से 12th तक व नवोदय स्कूल, राय स्कूल, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, NMMS व NTSC की भी विशेष कोचिंग शुरू हो गई है। कोचिंग का समय शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक है। संपर्क सूत्र 9813041931।